नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और जाहिर सी बात है कि मच्छर बहुत सताते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है घर में मच्छरों का उपाय करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चाइनीज रैकेट लेके आते हैं, तो जिससे हमें आराम तो मिलता है बट 10-5 दिनों के लिए, उसके बाद में वो रैकेट खराब हो जाता है। और आज मैं आपको ऐसे ही बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छे मॉस्किटो रैकेट के बारे में। तो लीजिए, आपके सामने प्रेजेंट है मॉस्किटो रैकेट। लो आ गया। तो दोस्तों, ये है मॉस्किटो रैकेट जिसको मैंने ऑर्डर किया था, और अब मैं आपको दिखाता हूं ये रैकेट कैसे काम करता है। और इसे अगर आपको खरीदना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के आप आराम से खरीद सकते हैं वन क्लिक पर। तो दोस्तों, ये है हिट का, हिट कंपनी का, जिसका आपने देखा होगा वो स्प्रे भी आता है, बट ये मॉस्किटो रैकेट है जिससे मॉस्किटो 100% मर जाते हैं, और एक बार चार्ज करने से काफी टाइम तक चलता है। तो दोस्तों, ये है वो मॉस्किटो रैकेट, और मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं ये कैसे आखिर में दिखता है। ये सील इसका लगा हुआ है यहां पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये निकला मॉस्किटो रैकेट। रैपर में और कुछ नहीं है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन गाइड है छोटा सा एक पेज का, और वारंटी और ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। स्कैन टू रजिस्टर, इसकी वारंटी भी है, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग भी हुई है, और इधर ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये है जब आप इसे क्लिक करते हैं उसके लिए कि हाँ अब वर्किंग में, वर्किंग के लिए ऑन करेंगे। तो जब आप नॉर्मली ऑन करते हैं और जब आप वर्किंग मतलब ये बटन दबाते हैं, ये बटन प्रेस करते हैं मॉस्किटो मारने के लिए, तो इसको दबा करके आपको प्रेस करना है, यूं चलाना है, और मॉस्किटो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। और उसके बाद में एक मोड ये है जिससे मॉस्किटो इस पर आपको, अगर इसको आप ऐसे जला के आप ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे कहीं पे, और अगर आपने इसको दबाया हुआ है, इस स्विच को आपने दबाया हुआ है, तो मॉस्किटो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से आप इसके अंदर आ जाएंगे और वो खुद ब खुद इसमें मर जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही काम का ये रैकेट है, बहुत ही गजब का है। इसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो अपने घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बच्चों की पहुंच से इसे आपको दूर रखना है, क्योंकि इसमें करंट होता है, अगर बच्चों की उंगली के अंदर चली गई तो उनको झटका लग सकता है। हालांकि इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बच्चों को इससे चोट पहुंच सकती है। तो दोस्तों, है ना ये काम का रैकेट। अगर आपको खरीदना है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।